हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्व के साइकोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो देखिए साइकोलॉजी के मॉडल क्वेश्चंस, देखिए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? बुद्धि परीक्षण का शुरुआत अगर मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने किया था, वो था बीने। ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है। दूसरा नंबर सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर तीन, धारण। ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर है। तीसरा नंबर देखते हैं, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? 80 से 90 के बीच अगर बुद्धि लब्धि होता है तो वो हो जाएगा तीन का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, मंद बुद्धि। यानी कि इसका जो IQ लेवल है वो काफ़ी कम लग रहा है और ये मंद बुद्धि में आता है। चौथे नंबर पर बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? युंग के व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल नहीं। देखो ऑप्शन है, एक अंतर्मुखी है, एक इंटरमुखी है, एंडोमॉर्फी है और को बहिर्मुखी है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो चार का ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, एंडोमॉर्फी सही नहीं है। ठीक है, पाँचवें नंबर में बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर क्या है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? पाँच नंबर का दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दो, ऑलपोर्ट ने कहा कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादित करने वाले थे, ऑलपोर्ट थे। ठीक है, छठे नंबर आ जाता है, छठा नंबर क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन सा है, तो है इदम अहम प्राहम, ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की, सातवां नंबर सवाल क्या है? देखिए सातवां नंबर बढ़ते हैं, सातवां नंबर क्या है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो सात का ऑप्शन नंबर देखिए ये है ऑप्शन नंबर दो, मुर्रे तथा मॉर्गन सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर है। आठवें नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? सामाजिक प्रतिबल कौन सा है, तो है देखिए कुंठा है, कुंठा द्वंद्व, कुंठा, भूकंप, विवाह विच्छेद, ऑप्शन नंबर चार सही आंसर है। क्योंकि ये समाज से रिलेटेड बात है तो विवाह विच्छेद ये सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत आता है। नौ नंबर नंबर देखिए सवाल क्या है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्था कौन सा है, तो नौ का ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, तीन अवस्था होती है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में तीन अवस्थाएँ होती है। ठीक है, दसवें नंबर पढ़ते हैं, इनमें से कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? असामान्यता के जैविक कारक कौन सा नहीं है, तो ये देखिए एक शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर दो सही आंसर, आरंभिक वंचन, ऑप्शन नंबर दो आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्यारह नंबर पर देखते हैं, ग्यारह नंबर क्या कह रहा है कि ICD-10 प्रस्तुत किया, ये ICD-10 प्रस्तुत किसने किया, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसने किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दसवें नंबर में आते हैं, दसवां नंबर क्या है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, दो द्विध्रुव विकार होते हैं उसमें दो ध्रुव होते हैं, तो वो दो ध्रुव क्या क्या होते हैं, तो होते हैं उन्माद और विषाद, ऑप्शन नंबर दो सही आंसर है। तेरह नंबर पर आते हैं, तेरह नंबर क्या है, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, मनोविश्लेषण विधि से संबंधित कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर दो, क्रमिक विषमवेदीकरण। चौदह नंबर में आ जाते हैं कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले आदमी कौन थे, तो वो थे एल्बर्ट एलिस। पंद्रह नंबर बड़ा अच्छा सवाल है, पंद्रह क्या है कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं, तो योग के कितने मार्ग हैं, तो योग के आठ मार्ग हैं। सोलह है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का है, पूर्वाग्रह क्या है, तो पूर्वाग्रह भी एक प्रकार का मनोवृत्ति का है, मनोवृत्ति मतलब मन का सोच है, पूर्वाग्रह मतलब किसी के बारे में हम पहले से ही अंदाजा लगा, बिना किसी से मिले ही पहले से ही उसके बारे में अगर सोच लेते हैं तो वो मनोवृत्ति कहलाता है। ठीक है, सत्रह नंबर देखते हैं, सत्रह क्या है कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक का भूमिका पर बल दिया, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया किसने, वो थे ऑप्शन नंबर तीन, मीड और बेनेडिक, ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर तीन, मीड और बेनेडिक। अठारह नंबर में आते हैं, अठारह क्या है,
18 नंबर पर क्वेश्चन है, अनुवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंगवादिति का प्रतिसंप्रत्यय प्रतिपादित किया, तो ये किसने दिया? ऑप्शन नंबर 3 लियोन फेस्टिगर। किसने दिया? लियोन फेस्टिगर ने। 19 में क्या है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? देखिए, एक समूह बनाना, एक समूह बनाने के लिए कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? तो वो होने चाहिए कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। कितने होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 एक आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर सवाल की ओर। 20वें नंबर क्या करें, किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में किया? तो समूह को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में, ये किसने किया है? तो 20 का हो जाएगा 4, चार्ल्स कूले ने किया था। 21 में आ जाते हैं। 21 क्या कह रहा है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछनीय अवस्था है। तो संदर्भ समूह के लिए सबसे अधिक वांछनीय अवस्था कौन सा है? तो वो होगा समूह का प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका। 22 नंबर देखते हैं, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होती है? सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार के सर्वाधिक एकता होती है? तो ऑप्शन है अंत समूह, बाह्य समूह, गतिशील समूह और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा अंत समूह। ठीक है, 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? मानसिक स्वास्थ्य का आधार कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर 1 संवेगात्मक स्थिरता। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 24 में, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया? तो किस पर बल दिया? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय शिक्षा पर। उसने कहा कि पर्यावरण का अगर बचाना है तो पर्यावरण को शिक्षा देना लोगों को काफ़ी जरूरी है। 25 आ जाते हैं, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? आक्रामकता देखते होंगे, बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, आदमी बहुत गुस्सा करता है तो आक्रामक हो जाता है, सामान पटकने लगते हैं, उसे आक्रामकता कहते हैं। तो आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, किस वजह से आक्रामकता नहीं हो सकता है? तो 25 का होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारपूरक औसत। 26 आ जाते हैं, संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो 26 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर, अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार सही आंसर है। 27 आ जाते हैं, संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? कूट संकेतन की विशेषता कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। 28 आ जाते हैं, 28 में क्या, व्यक्तित्व के शीलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? 28 का हो जाएगा ऑलपोर्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, 29 आ जाते हैं, एक ध्रुव विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुव विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ऑप्शन है विषादी विकार, उन्मादी विषादी विकार, दो है उन्माद, यानी कि 29 इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, 30 आ जाते हैं, 30वें में क्या है कि किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो वो थे मिलर तथा डोलार्ड, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 31 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? ध्वनि को मापने वाला यंत्र तो इकाई होता है डेसिबल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 32 आ जाते हैं, 32 में क्या है, 32 को देखते हैं कि फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो मां से प्रतियोगिता, लड़कियां अपनी मां से प्रतियोगिता करती है। 33 आ जाते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर 3 SM मोहसिन ने। 34 क्वेश्चन आ जाते हैं, 34 नंबर, फ्राइड के अनुसार मन का अकारात्मक मॉडल है, मन का अकारात्मक मॉडल क्या है? तो 34 का ऑप्शन नंबर 3 अधर्य चेतन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 आ जाए, मॉडलिंग प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया? मॉडलिंग प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया? 35 का हो जाएगा 3 पोयंडूरा ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर रहा। तो ये रहा आप लोग के पॉलिटिकल नहीं है, ये साइकोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर पहला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।